हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी जुगाड़ बाय यूआरएस। वो बारिश, हम पकोड़े और चाय, साथ हो अगर तो जिंदगी और हसीन बन जाए। इस लाइन से आपको समझ आ गया होगा कि आज मैं आपके साथ पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस पकोड़े को प्याजी भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस प्याजी पकोड़े को बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 से 4 चीजें ही चाहिए। 2 बड़े प्याज पतले और लंबे कटे हुए, 3 से 4 कटे हुए हरी मिर्च, 1/2 बाउल बेसन, 1/2 कप पानी और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में बेसन को डालें और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पतला घोल बना लें। बेसन का घोल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल लंप्स फ्री, और इसे ज्यादा थिक ना करें क्योंकि हम प्याजी पकोड़े बना रहे हैं। नॉर्मल पकोड़े में बेसन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और प्याजी पकोड़े में प्याज ज्यादा होना चाहिए। अब इस बैटर में स्वाद अनुसार नमक डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। और अब इसमें कटे हुए हरी मिर्च और प्याज डाल लें और सारी चीजों को अच्छे से मिला लें। ये देखिए, बैटर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ना ज्यादा थिक और ना ही ज्यादा रनी। अब कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लें और मीडियम फ्लेम में पकोड़े के मिक्स को केयरफुली ऑयल में डालें। कोशिश करें कि पकोड़े को ऑयल में डालते वक्त एक्स्ट्रा बेसन बाउल में ही निकाल लें। इससे प्याजी पकोड़े में बेसन का फ्लेवर कम होगा और प्याज का टेस्ट अच्छे से आएगा। पकोड़े को धीमी फ्लेम में ही फ्राई करें, इससे प्याजी क्रिस्पी बनेगी और जलेंगे भी नहीं। दोनों तरफ से पकोड़े को ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये देखिए, प्याजी पकोड़े हो गए हैं। अब इस स्टेज पे पकोड़े को ऑयल से निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें। चाय, पकोड़े और ये लॉकडाउन इस बारिश के मौसम को और भी मजेदार बना देती है। मेक दिस प्याजी पकौड़े एंड एंजॉय दिस मॉनसून सीजन विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ यू डिड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।